हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज का दिन मेरे लिए काफी स्पेशल है। आज है धनतेरस एंड आज है डेट 10 तारीख। 2 दिन बाद दिवाली है। एंड आपने थंबनेल पे देखा होगा, काफी सारी गाड़ियां दिखी होंगी आपको। टेस्ला दिखी होगी, बुगाटी दिखी होगी, लैम्बर्गिनी दिखी होगी, है ना, डोज की स्किन दिखी होगी। बड़ी बड़ी गाड़ियां जो कि इंडिया में है भी नहीं, बट वो सारी गाड़ियां मेरे पास इन गेम है और वो मैंने पैसों से खरीदी है, क्योंकि मैं वीडियोस बनाता हूँ उसी से मैं अर्न करता हूँ, तो वो मेरी एक इन्वेस्टमेंट है। अब रियल लाइफ में मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, फोर व्हीलर मेरी पूरी फैमिली में आज तक किसी ने लिया ही नहीं है। मेरे पापा ड्राइवर थे, बट वो ट्रक चलाते थे, वो भी किसी और का। अभी मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, होते तो उनका भी एक सपना पूरा होता। बट मैं आज अपने फैमिली की पहली गाड़ी लेने जा रहा हूँ। कोई बड़ी गाड़ी नहीं है, पहले मैंने थार का सोचा था, बट फिर मैंने सोचा पहले छोटी गाड़ी से स्टार्ट करता हूँ, ये ना हो पहली बड़ी गाड़ी ले ली जाए उसके बाद फिर चला ना पाऊँ एंड प्रॉब्लम्स आए, तो सबसे पहले छोटी गाड़ी लेते हैं। तो फिर मेरे दोस्तों ने मिलके डिसाइड किया, क्योंकि मेरे जितने दोस्त हैं ज्यादातर दोस्तों के पास मारुति की गाड़ी है, तो उसी पे ट्रस्ट था। मैंने ऑनलाइन रिव्यू देखे, इतने सही तो नहीं थे, बट गाड़ी पसंद आई हमें। एंड कौन सी गाड़ी ले रहे हैं हम वो आपको दिखाऊंगा। इन गेम मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, इतने पैसे, लाखों रुपए लगा चुका हूं मैं इन गेम, बट मेरे पास रियल लाइफ में गाड़ी नहीं थी। इन गेम मेरे पास कपड़े इतने महंगे महंगे हैं, गेम के अंदर रियल पैसे लगते हैं। इसको देखो, उठ गई पगली। अब इन गेम तो मेरे पास इतना सामान है, गेम के अंदर मैं इतने पैसे लगाता हूं, बट रियल लाइफ में मेरे पास नहीं थी गाड़ी। तो मैंने सोचा चलो एक गाड़ी ली जाए, क्योंकि आने जाने में भी दिक्कत होती थी, बाइक पे हर जगह नहीं जाया जा सकता, कैब वगैरह करना पड़ता था, बहुत खर्चा आता था। एंड हर लड़के का एक सपना होता है कि उसके पास एक खुद की गाड़ी हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा बहुत मूड था पिछले 3-4 महीनों से, क्योंकि मैं अपने दोस्तों की गाड़ी चलाता था, कहीं जाना होता था तो उनकी गाड़ी मांग के लेके जाता था। हालांकि मेरे दोस्त इतने अच्छे हैं, किसी ने आज तक मना नहीं किया, बट खुद की गाड़ी भी खुद की चीज ही होती है ना। एक सपना होता है जो कि आज मैं पूरा करने जा रहा हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। एंड दिखाता हूँ आपको कौन सी गाड़ी है। अगर आप फुल ब्लॉग देखना चाहते हो, मैं छोटी सी क्लिप ही शूट कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं शूट करूंगा, क्योंकि मैं इतना पागल हुआ पड़ा हूँ, मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। मेरा दोस्त रिकॉर्ड करेगा सब कुछ, उसके चैनल पे आएगा, उसके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फुल ब्लॉग देखना है तो उसके चैनल पे जा सकते हो, उसको सपोर्ट दिखा सकते हो। अभी चलते हैं शोरूम के लिए, निकलते हैं। सारा पेपर वर्क हो चुका है, लोन पास हो चुका है, डाउन पेमेंट हमने दे दी है। गाड़ी कौन सी है वो आपको दिखाते हैं, चलते हैं सीधा शोरूम। घर से निकल के सीधा हम पहुंचते हैं शोरूम, जहां पर अपनी गाड़ी रेडी पड़ी थी। एंड यहाँ पर कॉफी वगैरह हमें सर्व की जाती है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगने वाला था, तो यहाँ पर थोड़ा हम बैठते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर काफी सारी गाड़ियां थी, मरवाहा ऑटो से हमने ये लिया था, नेक्सा के शोरूम से। तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे हमारे सर, जिन्होंने बहुत अच्छी सर्विस दी। इनका नाम है पंकज एंड इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप भी लुधियाना में कहीं से हो तो आप भी मरवाहा शोरूम इनके पास जा सकते हो, काफी अच्छे डीलर हैं ये। एंड मतलब काफी अच्छी डील दी इन्होंने, साथ ही साथ डिस्काउंट भी काफी दिया। तो इनका नंबर मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एंड साथ ही साथ नंबर के अलावा मैं एड्रेस भी दे दूंगा, अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो। अब थोड़ी देर मस्ती मजाक करने के बाद हमारा केक कट होता है। एंड मेरी मम्मी बहुत ज्यादा खुश थी, एंड मम्मी को गाड़ी भी बहुत पसंद आई थी। हालांकि मैं मम्मी को दिखा के गाड़ी नहीं ला रहा था, सब कुछ मैंने खुद किया था। एंड मौके पे मम्मी को लेके गया एंड सीधा मम्मी को सरप्राइज दिया। एंड जब ऐसा कोई गिफ्ट मिलता है ना घर वालों को, एंड उनका सपना हो कि उनके पास भी ऐसी ऐसी चीज हो, तो भाई एकदम से मम्मी के आंखों में आंसू आ गए थे। तो वो चीजें मैंने शूट नहीं की थी, एंड शूट होती तो शायद आप भी इमोशनल हो जाते। एंड किसका किसका सपना है अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने का, मुझे कमेंट करके बताना। बाकी केक वगैरह कट करने के बाद, एक दूसरे को खिलाने के बाद, इधर से हम डिलीवरी लेते हैं अपनी गाड़ी की। फाइनली वो टाइम आ गया था जब हम पर्दा हटा के अपनी गाड़ी को यहाँ से बाहर निकालते हैं एंड सीधा निकलते हैं घर की तरफ, फिर मंदिर जाते हैं पूजा कराने के लिए। अब मुझे नहीं पता था क्या करना होता है, मुझे नहीं पता था थोड़ा सा खींचना होता है, पीछे से अंकल खींच देंगे पूरा, तो मैं हल्का सा ऐसे से करता हूँ, यहाँ पर मेरे से पोपट हो जाता है। उसके बाद हम सीधा पहुँचते हैं अपने घर के पास वाले मंदिर में, जहाँ पर हम पूजा करवाते हैं गाड़ी की। एंड मम्मी बहुत खुश थे, और जो मेरे आस पड़ोस वाले हैं, जो भी देखने आए थे गाड़ी, जो भी मतलब जानते हैं, सब खुश थे। एंड मैं तो सबसे ज़्यादा खुश था। ये सब कुछ आप सबकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि आप सब इतना प्यार करते हो, सपोर्ट दिखाते हो, तभी मुझे लोग जानते हैं। आपके प्यार एंड सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन था। इसके आगे मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग शूट नहीं की, क्योंकि इसके बाद फिर मैं अपने रिश्तेदारों के घर गया,
मिठाई का डब्बा लेके एंड मुंह मीठा करवाने के लिए। एंड उसके बाद थोड़ी देर गाड़ी चलाई एंड फिर रात हो गई, थक गया था तो मैं सो गया। एंड लास्ट में मैं गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करता हूँ, तो गिफ्ट देखते जाना क्या गिफ्ट मिला हमें नेक्सा की तरफ से। काफी सारे बंदे ये पूछेंगे कि भाई तुमने कौन सी गाड़ी ली है। सही बताऊँ तो मुझे गाड़ियों की नॉलेज नहीं है, बट मेरे दोस्तों ने पसंद की थी ये गाड़ी एंड उन्होंने बोला था बहुत अच्छी गाड़ी है, मुझे भी बहुत पसंद आई थी। मुझे नॉलेज नहीं है बट उनको ज़्यादा नॉलेज है, तो उन्होंने जैसे जैसे बोला मैंने वैसे वैसे समझ लिया। एंड ये है फ्रोंक्स का टॉप मॉडल, इतना मुझे पता है, इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। बाकी मुझे गाड़ी चलानी आती है 90%, 10% मैं चला चला के सीख जाऊंगा। आप में से किसका किसका सपना है गाड़ी लेने का या फिर सुपर बाइक लेने का, मेरे को कमेंट करके बताना। बाकी आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, दिवाली का भी एक स्पेशल व्लॉग आएगा। साथ ही साथ आपको एक चीज और बता दूं, ऐसे और व्लॉग अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो बीच बीच में मैं हफ्ते में एक व्लॉग डालने की कोशिश करूंगा या फिर उसका चैनल अलग से बना लूंगा। अभी के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं, क्या गिफ्ट मिला था वो आप देख लो। तो अभी हम आ चुके हैं घर एंड ये हमें नेक्सा की तरफ से मिला था, देखते हैं इसके अंदर क्या है। एक चॉकलेट का डब्बा था जो कि खा के खत्म कर दिया गया है, बट इसके अंदर देखते क्या है, देखते हैं। तभी तो मैंने आपको बोला ऐसे पकड़, बुम बाम, अरे खुल। फ्रॉम्स नेक्सा, चलो ओहो क्या बात है, ये तो कप निकला है वाइट एंड ये कुछ कॉन्ग्रेचुलेशन का कार्ड है, जो कि पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, इसको रखते हैं इधर। उसके बाद एक और कप, दो कप हमें मिल चुके हैं ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे मैं हूं ब्लैक एंड व्हाइट। एक बोतल, भाई साहब क्या क्वालिटी है बोतल की, वाह मजा आ गया। इसके अंदर हम देखते क्या रखेंगे, कुछ तो रखेंगे। चलो इसके अलावा कुछ नहीं है भाई, किचन वगैरह ही दे देते भाई। चलो ठीक है, एंड करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं, बाय बाय।